हेलो भाई, मैं अरुण पवार। आपको भाई अपने इंडिया में तो नकली रैप्टर एवरेस्ट एंडेवर कुछ भी कहो, वो बहुत निकाली भाई। वो तो फिटिंग करवा के अपने देसी बालक कर देते उन कामों को। पर भाई आज रियल जो ये फोर्ड है, फोर्ड ने जो रियल एवरेस्ट बना रखी है। अच्छा, मैं आपको पहले एवरेस्ट और एंडेवर में फ़र्क बता देता हूँ। हमारा देश है इंडिया, भारत केवल, जहाँ पे गाड़ी फोर्ड एंडेवर के नाम से बेची जाती है, लेकिन बाहर के जितने भी देश हैं उन जगह सब जगह पे एवरेस्ट नाम यूज़ किया जाता है भाई इस गाड़ी के लिए। अब वो भाई उनके अपने पॉलिसी, पता नहीं क्या कुछ सिस्टम होगा, पेटेंट मतलब नाम वाम वो नहीं करा सकते, रजिस्टर व्हाटएवर। पर जो आप अभी तक खबर सुन रहे हो कि भाई फोर्ड गाड़ी इंडिया में आने वाली है, चाहे वो भैया 24 में आए, 25 में आए, 26 में आए, कभी भी वापसी आए, आएगी यही गाड़ी। तो आपका भाई एडवांस में आपको दिखा देता है ये टॉप मॉडल भाई फोर्ड एवरेस्ट का, इसमें क्या क्या आएगा। अच्छा, जो देखो मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, जो हमने अपनी उसमें बनवा रखा है ना वहाँ पे, उसमें ये वाली ग्रिल जो है फोर्ड वाली अलग है, वो आती है भाई इनकी ओरिजिनल रैप्टर में, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन अगर ये वाली गाड़ी यही, तो इसमें इस तरीके का ही पूरा पूरा आएगा, और इसमें थोड़ी ग्रिल वगैरह भी थोड़ी सी लिटिल सी डिफरेंट है। पर एक बात कहूँ, रियलिटी में गाड़ी देखने में भैया जो ये लग रही है, मतलब मैं क्या बताऊँ आपको, एक एक करके फीचर दिखाता हूँ। फॉर्च्यूनर तो ना कुछ भी नहीं इसके सामने, इसकी बालक भतीजी बच्ची, बालक भी मैं तो कहूँगा नहीं है, अलग ही सौदा है, जो वेट नहीं हो रहा। आपको भाइयों को जल्दी से दिखाता हूँ, दिखाओ भाई। ये देखो भाई, बिल्कुल टॉप मॉडल है, जिसको कहते हैं प्लेटिनम। ये इस तरीके की पूरी लुक आएगी भाई, इस तरीके की ग्रिल है, और इसके इंडिकेटर जो हैं इस तरीके से जलते हैं। इसमें DRL जो भाई इस तरीके से नहीं आएंगे, मतलब DRL इस तरीके जलते हैं, इंडिकेटर ये, और ये परफॉर्मेंस LED, बिल्कुल ये वाला सेटअप बिल्कुल अपनी में सेम है। बस अपनी में ये है कि LED भी ऐसे जलती है, लेकिन इंडिकेटर्स में यहाँ पे आएगा। फोर लाइट वाला सेटअप भी बिल्कुल सेम है, यहाँ पे हमको मिलते हैं भाई। इसमें फ्रंट पार्किंग सेंसर भी, फ्रंट में कैमरा भी दिया गया, ग्राउंड क्लियरेंस भाई बहुत तगड़ा है, क्योंकि भाई इसके अंदर आपको तीनों इंजन ऑप्शन देखने मिल जाएंगे, टर्बो, बाई टर्बो और एक V6 भी इसके अंदर आता है। तो ये बिल्कुल ही टॉप मॉडल है। उस इसमें बढ़ने से पहले आगे मैं आपको और इसके वेरिएंट दिखा देना चाहता हूँ भाई, जिससे भाइयों को थोड़ी भी कन्फ्यूजन आ रहे। ये भी एवरेस्ट है, लेकिन भाई अलग अलग इनके वेरिएंट आते हैं। ये वाइल्ड ट्रैक करके इसके अंदर थोड़ा सा ये लगा दिया भाई, मड टेरेन टायर लगा दिए हैं ढंग से कि ये कुछ भी अपना कर पाए। और यहाँ पे आपको बड़ा सा बम्पर लगा दिया है, ये भी प्रॉपर लोहे का मिल रखा है भाई, कि अगर इंडिया में किसी में दे मारा ना मारुति भारुति तो घनी दूर जाके कोई पड़ेगी घनी, ऐसा वाला सिस्टम है। और ये थोड़ा सा इसकी जो मेन गाड़ी की लुक है ना, वो इसकी ग्रिल और आगे से जो इतनी बोल्ड दे रखी है ना, उससे निकल के आ रही है। पर इस वाली में वो लिटिल सी भाई छुप रही है। और अगर और थोड़े नीचे वाले वेरिएंट पे जाओगे तो उसमें थोड़ा सा ये वाला सिस्टम थोड़ा सा अलग देखने को मिलता है, पैनो ब्लैक फिनिश में हमको अलॉय व्हील देखने को मिल रहे हैं। और ये इस वाली में थोड़ी सी इस तरीके की लुक निकल के आएगी, इसमें थोड़े से कम फीचर हैं, और ग्रिल भी आप देखोगे थोड़ी सी डिफरेंट है, ये नीले रंग की है। और इसका भाई, और ये मतलब थोड़ा सा बेस मॉडल है, बिल्कुल बेसिक जो इंजन आता है ना टर्बो, ये वो वाला है। और यहाँ पे स्पोर्ट की इसके अंदर बैजिंग दे रखी है, पर हमें भाई इससे मतलब नहीं है, हम अपना बात करेंगे इस वाली की जो है बिल्कुल टॉप मॉडल। इसमें है भाई पूरा मज़ा, और प्लेटिनम भी ऊपर से इसमें लिखा गया है। तो भाई सबसे पहले आप बात करोगे इस साइड से, देखो भाई यार ये अलॉय मैंने बहुत ढूंढे थे कि फोर्ड के ओरिजिनल कहीं मिल जाए, बट अनफॉर्चुनेटली मिले नहीं थे। ये 6 नट वाले भाई इंडिया में फॉर्चुनर, हाइलेक्स और एंडेवर फिर से एक ऐसी गाड़ी बन जाएगी जिसमें 6 नट आएंगे। और आपको इसके अंदर भाई गुड़ियर के टायर 21 इंच यानी कि 275/45 R21 की पूरी प्रोफाइल वाले टायर मिलेंगे। और ये ओरिजिनल V6 है, देखो हमारे वहाँ पे 3.2 लेके आता है और हमने लगवा रखा है अपनी में नकली, लेकिन दिस वन इज ओरिजिनल V6। वैसे भाई बात करो बोनट एग्जैक्टली सेम इम्पोर्ट कर ला यार, वो लोग पूरा सेम टू सेम डिटो चीज़ बना रखी है, चाहे बेशक आप बात करो क्लैडिंग वगैरह से। पर एक चीज़ बहुत अच्छी है कि भाई अपनी इंश्योरेंस में कवर होगी, वो वाली बेचारी नहीं होती है, वाइपर वगैरह एकदम एक्सीलेंट इसके अंदर मिल रहे हैं। प्लेटिनम की बैजिंग, ORVM और 360 डिग्री कैमरा, यहाँ पे भी हमको कैमरा देखने को मिलेगा। और भाई मैं तो इसकी ओवरऑल साइड लुक पे फिदा हो गया हूँ भाई, यहाँ से प्रेस करके आप इसको लोकल लुक कर सकते हो। यहाँ पे दे रखा है भाई इसका ये पूरा अपना सिल्वर फिनिश दे रखी है इसके अंदर, रूफ रेल आ रही है गाड़ी के अंदर, और ऐसा मत समझना भाई क्लच प्लेट फूक रही है या कुछ टायर घिस रहे हैं हम, इन्होंने यहाँ से धुआं निकाल रखा है ऐसे ही कि भैया गाड़ी आपकी कुछ अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर सकती है, तो वो वाला पूरा मैटर है। आ जाए ना इंडिया में धूम मचा दे, फॉर्च्यूनर लेने वाले भाई फॉर्च्यूनर को देखेंगे भी नहीं, जिसके फीचर्स है ना मैं आपको गारंटी से लिख के दे रहा हूँ। वाइपर मिल रहा है प्लेटिनम एवरेस्ट, यहाँ पे अपने को कैमरा मिल रहा है ये एवरेस्ट की, यहाँ पे बैजिंग है हमारे वहाँ पे पूरा कुछ एंडेवर लिख के आएगा। यहाँ पे रिफ्लेक्टर, यहाँ पे 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर हमको देखने मिल रहा है। ओवरऑल लुक तो आप देखो इतनी प्यारी लग रही है गाड़ी की। और अलॉय व्हील यार 18 इंच के आते हैं, आज भी फॉर्च्यूनर लेजेंडर तक आप लेने जाओगे उसमें भी 18 इंचेस के आपको अलॉय व्हील्स देखने को मिलते हैं। एंड दिस कार इज प्रोवाइडिंग यू 21 इंचेस भाई, और क्या लोगे मार्केट में। और भाई देखो फीचर्स आप है अच्छा। अब चलता हूँ भाइयों को इंटीरियर में लेके, ज़्यादा आपको इंतजार नहीं करवाऊंगा, मेरे को पता है मरे जा रहे हो भाई इस गाड़ी के पीछे, दुनिया पागल हुए जा रही है। बट जैसे ही मैं इसका दरवाजा खोलूंगा तो आप देखोगे यहाँ पे पूरा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मिलता है हमको। टॉप मॉडल है तो प्लेटिनम की बैजिंग यहाँ पे मिलेगी, और यहाँ पे हमको पूरा लेदर वाली फिनिश मिल रही है। डोर पे आप बात करोगे 3 memory seats हमको मिलती है, लॉक अनलॉक, चारों पावर विंडो, और यहाँ पे ORVM के पूरे कंट्रोल हमको मिलेंगे। और देखो भाई ये यहाँ से अनलॉक करने का ये वाला सिस्टम है, और यहाँ पे
अंदर चलता हूँ गाड़ी के अंदर। इंजन पुश स्टार्ट बटन यहाँ पे दे रखा है। अब भाई जैसे देखो ये भाई हैं हमारे, तो इनको तो मतलब ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा इस गाड़ी से कि भाई क्या है क्या नहीं है। हम जानते हैं इसकी वैल्यू, क्योंकि ये तो खरीद सकते हैं इसको कभी भी एनी टाइम। इनका तो फोर्ड का शोरूम है, जैसे बैंकॉक थाईलैंड में मैं खड़ा हुआ हूँ। हम जैसे लोगों को पता है ना कि अगर हमको पसंद भी आ गई ना, भी जैसे पसंद आ रही है, बट हम स्टिल बिचारी को नहीं खरीद सकते हैं भैया, क्योंकि इसी को कहते हैं मजबूरी। तो कुछ नहीं कर सकते, जैसे खोलना है ना, ये बड़ा यूनिक है यार भाई गुरु, ये भाई वाओ, देख ना किसी गाड़ी में आता ही नहीं अपनी में, मतलब यहाँ पे आता है बेसिक सा। यहाँ पे भाई देखो, यहाँ पे मिलते हमको इसमें लेन की असिस्ट वाले सारे फीचर्स, वॉल्यूम अप डाउन करने के, और यहाँ पे हमको मिलते हैं इसके कंट्रोल। चाबी वाबी नहीं आई, एम सॉरी भाई, ये तो तभी दिखाएंगे भाइयों को जब ये इंडिया में आ जाएगी। अगर आपको स्टेयरिंग एडजस्ट करना है, ऊपर नीचे आगे पीछे टिल टेलीस्कोपिक कैसे ही कर लो यार, 50 लाख तक भी आए ना गाड़ी इंडिया में, कोई घाटा ही नहीं है। V6 तो अगर भूल जाओ नहीं आएगी, दो इंजन ऑप्शन जो अदर आते हैं, एक टर्बो एक बाई टर्बो, वो वाले ज़रूर से आ सकते हैं, लेकिन V6 तो भाई बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है। बिल्कुल लाना होता तो पहले आ जाता ही, जब गई थी बेचारी तब भी बेचारी बस एक 2.0 लीटर के टर्बो इंजन के साथ बिकती थी, वही लोगों ने नहीं खरीदी क्योंकि 28 CC का इंजन उनको उसमें बड़ा दिखता था फॉर्च्यूनर में, इसलिए लोगों ने इसको रिजेक्ट ही कर दिया, इसलिए इनकी सेल पर फर्क पड़ा और ये ऐसे भाग ही गए। फ्लैट सी डिस्प्ले आ रही है भाई इसके अंदर, थोड़े MG टाइप लग रही है, बट वेरी नाइस यार। 2017 में ऐसे ऐसे फीचर देते थे, आज 2024 में अगर आप फोर्ड से उम्मीद करोगे तो भैया फिर तो क्या ही हमको देखने मिलेगा। यहाँ पे AC वेंट्स का डिज़ाइन इस तरीके का आएगा, ये मिल रहा है हमको इसका ग्लव बॉक्स, सिंपल सोबर रगड़ सी गाड़ी नज़र आ रही है भाई, रियलिटी बताऊँ। और जो मैं इसमें बैठा हूँ ना, जैसे अपने इंडिया में तो रोज डोलते हैं भाई, ये कुछ और ही चीज़ लग रही है। मतलब मैं खुद पर्सनली इतना एक्साइटेड हूँ ना कि अगर ये आ जाए तो भाई लट से ही कट जाए हमारे भारत देश में तो यार, हकीकत बता रहा हूँ भाई, जो फीलिंग है ना इसके अंदर बैठने की, दैट इज़ रियली रियली वेरी नाइस। देखो ये देखना भाई, ये अपना गियर नॉब हो गया, ड्राइव मोड्स 2H 4H 4L और 4A। यहाँ पे अपना पार्क असिस्ट इसके अंदर 2017 से दे रहे हैं, तो अब तो क्या ही देंगे भाई, मतलब अब तो ऑब्वियसली देंगे ही। यहाँ पे पूरे ट्रैक्शन के कंट्रोल आ रहे हैं, रोक मड़ वो मड़ ये मड़ यहाँ पे हमको मिलता है भैया इसका ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करने का, ये हमको आपने मिल रहा है, जिसके अंदर एक 12 वोल्ट का सॉकेट आपको छुपा हुआ मिलेगा। अब वेंटिलेटेड सीट्स वगैरह नहीं है क्या यार के अंदर भाई, फोर्ड वालों क्या कर रहे हो यार। यहाँ पे मिल रहा है भाई एक टाइप ए टाइप टाइप सी पोर्ट, और ये वाली सीट इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है, ये देखो यहाँ से आप कर सकते हो ऐसे। और भाई ये देखो डोर वगैरह कितना प्रीमियम लग रहा है यार। भाई मैं कैसे अपनी फीलिंग जाहिर करूँ, मेरे को कोई तो बताओ यार। यहाँ पे हमको सबवूफर वगैरह भी मिल रहा है यहाँ पे, ये अच्छा तो वैसे लगा रखी है अलग से, हम जैसे यूट्यूबर भाई आए तो वीडियो वगैरह बना पाएँ, आप लोगों को दिखा पाएँ। यहाँ पे मैं बात करूँगा तो यहाँ पे लाइट के साथ अपनी सकल फकल वट एवर यू वॉन्ट टू सी देख सकते हो। एक सनग्लास होल्डर भी मिल रहा है, और आपने को ये ओपन करनी है वेंट वगैरह तो यहाँ से आप ओपन कर सकते हो, और यहाँ पे भी भाई ये वाला सिस्टम दे रखा है। और भाई वाओ व्हाट अ फीलिंग व्हाट अ फील, ओ भाई ये क्या है, ओ भाई ये कितना प्रीमियम, कैसे घूम रही है गाड़ी, ये लटगार देगी फॉर्च्यूनर, निकल जाए इंडिया से, फॉर्च्यूनर को जाना चाहिए इंडिया से भाई, ये तो बेचारे के साथ गलत हो गया। देखना क्या जगमग हो गई है हमारी इंडेवर भाई, हम तो इसको इंडेवर ही बुलाएंगे भाई। देखना भाई कितनी प्रीमियम लग रही है, ये जब खुलता है मतलब आता है, जब हमारा डोर वगैरह जो भी ओपन होगा ना केवल तभी आता है। देखो यहाँ से खोलने का चारों डोर में ऐसे ये खोलने वाला सिस्टम, तो जैसे मैं खोलूँगा इसको अब नहीं आया लगाऊंगा, अच्छा कोई घुसता है ना नया बंदा उसको दिखाने के लिए, हवाबाजी मारने के लिए है ये। यहाँ से अपना आप वो चलाओगे इंडिकेटर वगैरह, और यहाँ से लाइट्स के कंट्रोल हैं, इस बार गोल गोल सा हत्ता सा नहीं दिया, अच्छा हत्ता सा ये गोल गोल सा ही, ये देखो दोनों नॉन ऐसे करके जल जाती है भाई इसके अंदर। यहाँ से हमको लाइट्स के इसके कंट्रोल मिलते हैं। अब भाइयों को ज़रा पीछे साइड लेके चलता हूँ, और यहाँ पे भाई इसका ये ग्रैब हैंडल भी हमको देखने के लिए मिल रहा है एक, ये देखो आप फुट रेस्ट भी दे रखा है, ये चढ़ गया मैं इसमें। वाह भाई लेदर फिनिश मिल रही है, लोक अनलॉक के बटन हैं, यहाँ पे भी सेम आपको अनलॉक करने का सिस्टम दे रखा है, यहाँ पे पावर विंडो मिल रही है, और ये देखना टेंटना कितना बढ़िया भाई यहाँ पे सिस्टम दे रखा है। और यहाँ पे हमको मिलता है भाई इसकी वेंटिलेटर सीट, हैं मतलब वेंटिलेटर आगे होंगी, जब पीछे दे रखी है तो आगे तो होंगी, कहाँ है मुँह पे भूल एरिए का भाई। यहाँ पे मिलता है अपने को फैन स्पीड, यहाँ पे टाइप ए टाइप सी पोर्ट है, 230 वोल्ट तक वोल्टेज अच्छे, मतलब फ़ोन वोन अपना लैपटॉप वगैरह चार्ज करना हो आपको वो भी कर सकते हो, ये बढ़िया। आप तो टेंशन फ्री हो गया फिर तो सिस्टम, बैटरी बड़ी लगा के देंगे फिर तो, मतलब मेरे ख्याल से तो ये चलती गाड़ी में ही चलेगा ऐसे कुछ। भाई देखो दो कप होल्डर है इसके अंदर, ऐसे आप उसको अंदर कर दो, ये अपना बंद हो गया। यहाँ पे हमको मिलता है भाई अनलॉक करने का फिर अगेन सिस्टम, ट्विटर दे रखा है, अपना स्पीकर वगैरह तो एक नंबर है ही, लॉक अनलॉक के बटन यहाँ पे दे रखे हैं।
पीछे थर्ड रो में भाई यहाँ पे एसी वेंट्स देखने को मिलते हैं, और थर्ड रो जैसी हमारी में लेटती है ना ऐसे ही है, और पीछे थर्ड रो तक भी हमको यही देखने को मिल जाते हैं जो ट्विटर वगैरह हैं। यहाँ पे भी वाइट एलईडी दे रखी है, यहाँ पे भी हमको वाइट एलईडी मिल जाती है, यहाँ पे भी हमको वाइट एलईडी मिल जाती है, पर थोड़ा सा मतलब ऑफ वाइट सा है, लिटिल लिटिल सा। और भाई यहाँ पे पूरी में अपने लेदर फिनिश हमको देखने के लिए मिलती है, और भाई इलेक्ट्रॉनिक आएगा हमेशा से ही आ रहा है, तो भाई देंगे यार दो मॉडल में तो। और सीट्स भाई आज भी ये आपकी इस तरीके से बटन दबा के ही ऊपर होती हैं, थोड़े थोड़े फीचर मतलब सिमिलर ही हैं जो हमारी वाली में है, तो वो वाला सिस्टम है। यहाँ पे हमको एक 12 वोल्ट का सॉकेट मिल रहा है, एंड दिस यहाँ पे अपने को जैक वगैरह का सिस्टम पूरा दे रखा है। चलो अब अपने भाइयों को जरा थर्ड रो में जाके बताता हूँ स्पेस वगैरह में क्या बढ़ोतरी घटोतरी हुई। तो भाई देखो यहाँ पे वो दे रखा है एक हैंडल सा, वही अपना वाला सिस्टम है, इसको ऐसे करोगे तो ये लेट जाएगी, या फिर ये वाली तो आज भी स्लाइड ही होती है इस तरीके से। अरे वो सीट लौट गई क्या फिर से भाई? इसमें वैसे मतलब ये बहुत ज़्यादा है स्पेस, बूट स्पेस वगैरह इज वेरी वेरी नाइस। अब ये उड़ चुकी है, ये तो एग्जैक्टली सेम है यार जो इन्होंने पहले आज से 7-8 साल पहले दिया था ना, वही वाला सिस्टम अगेन वही दे रखा है। तो स्पेस नहीं है भाई मेरे भाई, स्पेस तो उससे भी कम लग रहा है मेरे को, पता नहीं। ये देखो स्पेस तो भाई बहुत मतलब टांगे बहुत ज़्यादा भिंच रही हैं इसके अंदर। हाँ थोड़ा आगे हो जाएगा तो मेरा थोड़ा सा मतलब सब्र आ जाएगा, पर ऐसे तो नहीं आ रहा। एक मिलता है भाई एक 12 वोल्ट का सॉकेट, यहाँ पे हमको कप होल्डर यहाँ पे है, और पूरा सिस्टम ऐसा है भाई ये देख लो आप। यहाँ पे एसी वेंट्स भी हमको ऊपर साइड देखने को मिल रहे हैं, और यहाँ पे ये एलईडी भी दे रखी है। निकालो भाई इसमें तो घुटन हो रही है। यहाँ पे हालांकि क्वार्टर पैनल भी है, बट नहीं यार थर्ड रो के उसके लिए तो नहीं है। ड्राइविंग डायनेमिक्स और वो सब आपको चाहिए तगड़े, तो फिर आपको एवरेस्ट में वो सब तगड़ी मिल जाएंगे, पर इसमें तो भैया अपने दुश्मनों को ही बिठाना है, इसमें वो वाली बात नहीं है। पर ऑल ब्लैक में भाई ये फांसी काट रहा है, कसम से बता रहा हूँ। लेदर फिनिश, ये पूरी सिल्वर लुकिंग वेरी प्रीमियम यार। और अगर ये आपको मैनुअल चलानी है तो भाई यहाँ से आप प्लस माइनस करके साइड में भाई इतनी तगड़ी फील आएगी, बैठे बैठे आप चलाओगे प्लस माइनस करके गियर आप अप डाउन कर सकते हो, मज़ा ही बैठ जाएगा। और भाई वेंटिलेटेड सीट्स का ऐसे है, अब मेरे को दिमाग में आया इसमें ना सीट के अंदर होगा पक्का वेंटिलेटेड सीट्स का, जैसे हम एसी वगैरह ऑन करेंगे ना तो वहाँ से हम कंट्रोल कर सकते हैं इन वालियों को, क्योंकि वेंटिलेटेड सीट्स पक्का होंगी भाई इसके अंदर, ऐसा नहीं कर सकते फोर्ड वाले, मुझे पक्का भरोसा है इन पे, मेरे से तो पूछा था डिजाइन करते टाइम। और जो फॉर्च्यूनर वाले भाई बहुत तारीफ करते रहते हैं कि अपनी एक चीज़ की कि भाई उनके में कप होल्डर है, इसमें देखो इन्होंने और मॉडर्न तरीके से स्टाइल में खुलता है। यहाँ पे अपने कॉफ़ी का मग वगैरह रख लो, वट एवर यू ड्रिंक वो आप यहाँ पे रख सकते हो, और ऐसे इसको नीचे दो, लेकिन अपने दोस्त को भी आप कैसे भूल सकते हो, दोस्त की साइड भी भाई ये दे रखा है, इस तरीके से खुलेगा और आराम से आप दोनों भाई इंजॉय करते हुए चल सकते हो। और पीछे वाले भाई तो अपना इसको ऐसे निकाल ही सकते हैं। और इसका आपको इंजन खोलना है तो भाई ये यहाँ से खुलता है इंजन मतलब बोनेट। और भाई अब बारी आती है आपको ये कमाल चीज़ V6 दिखाने की। अपनी वाली में 5 सिलेंडर है, लेकिन यहाँ पे भाई 6 सिलेंडर पूरे पट यहाँ पे अब आपको देखने को मिलेंगे इस गाड़ी के साथ। और V6 में कह रहा हूँ ना, इंडिया में आ जाए तो फांस कट जाए, कई फॉर्च्यूनर के ओंडे घुस के आपने देखा हो ना तो पूरा सिस्टम खाली खाली रहता है, बट यहाँ पे पूरा भर रखा है इन्होंने, ठूस रखा सिस्टम, और इतनी सफाई से फिट एंड फिनिश किया होती है ना वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है भाई। और ऊपर उठा रखी है देखो फेंडर से, ये आप यहाँ पे देखोगे बात करोगे इस तरीके से मिलती है। और बैटरी कितनी बड़ी बैटरी हमको देखने मिलती है, 80Ah की बैटरी है, पिछली वाली में भाई 60Ah की आया करती थी। और ये तो हो गया भाई इसका वाइट कलर, ब्लैक कलर में कुछ इस तरीके से लगती है, ऊपर वाइपर डिफोगर वगैरह देखो आप वाइल्ड ट्रैक की कैसे करके आता है। इसका जो हमको स्पिट टायर मिलता है वो मिलता है यहाँ पे नीचे की साइड में, और 4x4 की यहाँ पे प्रॉपर हमको बैजिंग भी देखने के लिए मिलती है। और एक ये हो गई भाई एवरेस्ट, इसका लोअर मॉडल है, और ज़्यादा फेमस जो अलॉय व्हील्स हैं ये वाला तो चलो टॉप हो गया, लोगों को इतना मतलब ज्ञान नहीं है, बट ये वाला बहुत ज़्यादा फेमस है। ये मैंने ढूंढने की कोशिश करी थी बट भाई इट इज़ टू मच एक्सपेंसिव अपने में लगवाने के लिए। और हाईवे टेरेन टायर हमको देखने को मिल रहा है इसके अंदर, इनका डिज़ाइन मेरे को कहीं ना कहीं ज़्यादा अच्छा लगा है भाई आपकी दूसरी वाली से। और इसके अंदर आता है बाई टर्बो, मैं बता रहा हूँ ना 3 गियर ऑप्शन है, तो इसमें 2 टर्बो लगे हुए हैं इस इंजन के अंदर, तो ये थोड़ी सी ज़्यादा पावर निकालते हैं, बस ये थोड़ी इंजन की वजह से मात खा रहे, वरना फीचर वगैरह देने तो भैया कोई इनसे जाने रियलिटी में। यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंसर वगैरह आ रहा है और पूरा प्रॉपर आपको वही मिल रही है, लेकिन इसमें थोड़ी सी इंटीरियर में फील थोड़ी सी अलग आपको देखने को मिल जाएगी, थोड़ा सा ग्रे ग्रे टाइप सा आपको ब्राउनिश उसमें ये सिस्टम देखने को मिल रहा है आपका। और यहाँ पे देखो आप, ये देखो इस तरीके का पूरा थर्ड रो वगैरह पूरा सेटअप है, और ऑरेंज कलर में जैसे बहुत भाइयों की अतरंगी चॉइसेज होती हैं तो इसमें भी आपको इस तरीके की लुक देखने को मिल जाती है। पीछे 6 रिवर्स पार्किंग सेंसर गाड़ी में देखने को मिलते हैं, क्या ज़बरदस्त लुक आ रही है। और एक और अगर आपको नॉर्मली में ही देखनी हो ये वाली वाइट टर्बो, तो ये भाई वाइट कलर में यहाँ पे ये अवेलेबल खड़ी है आपके सामने, तो आप इसकी भी अकल्ला लुक निहार सकते हो प्रॉपर। ये देखो भाई क्या धांसू लुक है यार, ये टाइटेनियम वेरिएंट है इसका, ये देखो
पहले टाइटेनियम प्लस अपने वहाँ पे टॉप आया करता था, बट अब वो कर दिया है और फील वगैरह इसमें प्रॉपर है। इसमें थोड़ा सा गियर नोब वगैरह आपका डिफरेंट आएगा। इंडिया में जहाँ तक मोस्ट प्रोबेबली ये वाला वेरिएंट जो है टॉप बन के आएगा, जिसमें आपको इस तरीके का थोड़ा सेटअप देखने मिलेगा। पर ये भी भाई कम वो नहीं लग रही है, खूबसूरत। इसने भी रियलिटी में फास्ट काट रखी है, गाड़ी इज लुकिंग सो मच जबरदस्त। और अगर आप टेल लाइट वगैरह का सेटअप देखना है तो ऐसा मिलेगा। पर एक चीज़ में फोर्ड ने दिक्कत कर दी भाई यार, हैलोजन लाइट। सीरियसली कौन देता है? और हम जैसे कलाकारों के लिए जिनको बहुत शौक है भैया ऐसे नचने कूदने का, तो उनके लिए ये भी है कि भैया फॉर्च्यूनर को उसकी औकात दिखा दे, इसको औकात दिखा दे थार को, तो उनके लिए टोक दे रखा है, इसमें फंसाओ और करो। पर एक चीज़ है यार, अनइवन है यार, इसमें एकदम इक्वल होना चाहिए, ये थोड़ा सा ये वाला दिक्कत है। और अगर आपको भाई बाई टर्बो इसका इंजन खोलना हो तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ एक बारी, वो यहाँ से खुलेगा। अभी आपने वो देखा तो पूरा दिखा देता हूँ आपको भाइयों को। एम एल लाइट वगैरह हमको यहाँ पे मिलेगी और यहाँ पे भी हमको स्पेस वगैरह मिल जाता है देखने को। यहाँ पे भी ग्लव बॉक्स अपना इस तरीके से खोल सकते हो, और इस वाले वेरिएंट में भी आपको एक कप होल्डर वगैरह इस तरीके से ही देखने मिलेंगे। यहाँ पे थोड़े से कंट्रोल वगैरह अलग हैं, वॉल्यूम वगैरह को करने का तेज बीच में दे रखा है। और इसकी स्पेक्स आप इंजन की यहाँ से पढ़ सकते हो, 210 bhp के साथ ये निकालेगी, 500 Nm का टॉर्क। और पूरी पूरी आपको डिटेल ये थोड़ी थाई लैंग्वेज में लिखी हुई है तो कन्वर्ट कर लेना, पर भाई 210 bhp है। फॉर्च्यूनर को तो बाई टर्बो ही नहीं छोड़ेगी, V6 की तो बात ही छोड़ दो, उसमें 201 bhp आती है, 9 bhp एक्स्ट्रा ही लेके आएगी अगर बाई टर्बो में आई तो। इसका कॉन्फ़िगरेशन आपको थोड़ा सा इस तरीके से देखने को मिलता है। अब बताएगी पावर क्या होती है, भागने में ड्राइविंग डायनामिक्स क्या होते हैं, फीचर्स क्या होते हैं। अब मज़ा बांध देगी भाई ये गाड़ी कम्प्लीटली, ये देख लो। और यहाँ पे इसमें सनरूफ वगैरह सारा कुछ सिस्टम हैंग जाते कह दें। और MG की तरह इन्होंने भी भाई यहाँ पे एक USB पोर्ट दे रखा है, जिससे डैश कैम वगैरह को लगाने में भाइयों को आसानी हो, क्योंकि भाई ये चीज़ ज़रूरी है सबकी गाड़ी में, मैं तो कहता हूँ होनी ही चाहिए। तो ये थी भाई आपकी पूरी पूरी फोर्ड एवरेस्ट की स्कीम, देखते हैं कब तक आती है इंडिया में। आ जाए तो भाई बहुत बढ़िया है, बेसब्री से इंतजार है, बिल्कुल नज़र देखेंगे इस गाड़ी की तरफ, बिल्कुल खरीदेंगे। फॉर्च्यूनर तो पता ना जन कब आए, बट इसका तो आना बनता है 360 डिग्री कैमरे के साथ। तो भाई ये है आपकी फोर्ड एवरेस्ट। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।